एवरीवन, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टर्न इन 3 1/13 मिनट्स। इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल इट, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आपके देखो दो पाइप हैं जो किसी सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक आपके पास फर्स्ट पाइप होगा और एक आपके पास लोअर वन मान लो, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, लेट टाइम टेकन बाय फास्टर पाइप इज इक्वल टू एक्स, मिनट्स में लेट करना पड़ेगा क्योंकि मिनट्स में ही आपको टाइम गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास टाइम टेकन बाय स्लोअर पाइप वो हो जाएगा हमारे पास, वो 3 मिनट ज्यादा दे रहा है ना, तो एक्स प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है जी। एक्स प्लस 3 मिनट्स, उसने बोला इफ वन पाइप इज 3 मिनट्स मोर देन दी अदर, तो जो भी आपके पास फास्टर वाला होगा दूसरा पाइप उससे 3 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है जी। अब ये दोनों मिला के उस सिस्टम को 3 1/13 मिनट्स में फिल कर दें। तो अगर देखो जो फास्टर पाइप है वो किसी को एक्स मिनट में फिल कर रहा है, तो 1 मिनट में वो सिस्टम का कितना पार्ट फिल कर देगा, 1/x, ठीक है। तो हम पार्ट लिखा देंगे, पार्ट ऑफ सिस्टम फिल बाई फास्टर पाइप अलोन इन 1 मिनट, 1 मिनट में लिख लेगा क्योंकि मिनट में दे रखा टाइम कितना 1/x। सिमिलरली पार्ट ऑफ द सिस्टम फिल बाई स्लोअर वन इन 1 मिनट इज 1/x+3। अब टाइम टेकन बाई बाई बोथ पाइप इज इक्वल टू 3 1/13 मिनट्स, मतलब कि 39 40/13 मिनट्स। तो इसलिए पार्ट ऑफ द ऑफ सिस्टम फिल बाई बोथ पाइप इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1/40/13। जैसे इन सबको रेसिप्रोकल किया इसको भी करेंगे, आएगा 13/40। तो हमारे अकॉर्डिंग जो फास्टर पाइप था वो 1 मिनट में इतना पार्ट भर रहा है, और जो स्लोअर पाइप था वो 1 मिनट में इतना पार्ट भर रहा है, और दोनों मिला के 1 मिनट में उसका इतना पार्ट भर रहा है सिस्टम का। तो ये प्लस एज इक्वल टू हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी अपनी 1/x + 1/x+3 इज इक्वल टू 13/40, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स प्लस का 3 प्लस का एक्स अपॉन में एक्स, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 13/40। यह आएगा 2x प्लस का 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू 13/40। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 80x प्लस का 120 इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस का 39x। उसके बाद इसमें 13x स्क्वायर ऐसा ही 39 माइनस का 80 हमारे पास आ जाएगा 41 और माइनस का 120, इसके फैक्टर करेंगे यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे आ गया आपका 120 के फैक्टर कर देंगे तो 24 × 5 और 13 5 और आपके पास आ गया 24, ठीक है जी। तो हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे 65 और 24, 65 में से 24 गया तो 41 आएगा, तो फैक्टर आ गया 13x स्क्वायर और माइनस का 65x प्लस का 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 13x को मिलेंगे तो आएगा x माइनस का 5 प्लस का 24 को मिलेंगे तो आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 को मिलोगे तो आएगा 13x प्लस का 24 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आ गया 5 और यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया माइनस 24/13। अब x हमारा क्या था, टाइम था, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आपके पास जो x की वैल्यू 5 हम लोग लेंगे तो टाइम टेकन बाय फास्टर पाइप कितना हो गया, ये तो हो गया फास्टर का x और स्लोअर का हो जाएगा
का टाइम इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव प्लस का थ्री, मतलब कि 8 मिनट। ठीक है जी, जो स्लोअर पाइप है वो 8 मिनट लेगा इसको फिल करने में। ठीक है,